स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलो। तो आज हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उसमें बेसिकली यही पूछा जाता है कि किसी भी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या है या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। जैसे कि इस सवाल में आप देखो, यहाँ पे अमाउंट H2, Helium-2+ ion, Lithium-2, Beryllium-2, ठीक है, इन सारे स्पीसीज में द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज बताना है कि इनमें कितने नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो डायमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले तो डायमैग्नेटिक आपको पता होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, कि जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज होता है। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज नोन एज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, तो इस केस में अब इसका बेसिक मेथड तो यही है कि इसका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे और सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। बट इस क्वेश्चन को तुरंत करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि कैसे हम सर इजिली कर सकते हैं। तो जैसे अगर 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 12, 14 एंड 18, अगर या 20, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्पीसीज में, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक। सब क्या होता है, डायमैग्नेटिक, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, और अगर 10 से नीचे वाले में आप देखोगे तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या तो मैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट बोल दूं, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक, दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, यानी कि उनमें एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। ठीक है, और इवन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर स्पीसीज में 12, 14 और 18 and 10 है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो पैरामैग्नेटिक, और अगर 10 से नीचे है उस केस में जितने भी इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर मतलब 2 ले लो आप, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, तो ये सब क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। ये इनमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बस जो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होता है। इस केस में जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको एक दो बार पढ़ोगे आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि अगर स्पीसीज में 12, 14, 18 और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो सब क्या है, डायमैग्नेटिक, और 10 से अगर कम है तो इवन नंबर है, तो भी सब क्या होंगे, डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 जो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ठीक है, या 11 हो, या 13 हो, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो सबसे सिंपल है। H2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। Helium-2+ ion में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। Li-2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। Beryllium-2+ ion में 8 इलेक्ट्रॉन है। E2 इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। C2 में कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, 7+7, 14। O2 माइनस में, O2 का 8+8, 16 और माइनस है तो 17 इलेक्ट्रॉन है। एंड F2 में आप देख सकते हो 9+9, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि मैंने ये ट्रिक बताया आप लोगों को कि इसके थ्रू आप इजीली आंसर कर सकते हो कि इनमें कितने डायमैग्नेटिक स्पीसीज, तो ये 12 वाला, ठीक है, आप देख सकते हो 14 और 18, ठीक है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक। उसके अलावा और देख लो आप, ये 2, 6 और 8, ठीक है, यहाँ पे 2, 6 और 8 जो है वो भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये आपको क्या है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज। तो ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 स्पीसीज जो है वो क्या है, डायमैग्नेटिक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है तो बस ये दिमाग में रखो आप कि 10 से अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, 12, 14, अगर स्पीसीज में 12, 14, 18 एंड 20 इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और 2, 4, 6, 8 वाले डायमैग्नेटिक होंगे, और 10 वाला पैरामैग्नेटिक। फिर ये दिमाग में, ये सब सवाल आपको 30 सेकंड में ही हो जाएगा, क्विकली आप कर, ठीक है, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर।